लखनऊ से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां राजधानी में बैठक होने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी इस बैठक में होगी। सुबह 11 बजे यूपी बीजेपी की लखनऊ में ये बैठक होगी। तो यूपी में ये बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे यूपी बीजेपी की बैठक, उनकी अध्यक्षता में बैठक। और संगठन सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम दोनों तो मौजूद होंगे, इसके साथ संगठन और वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे इस बैठक में। लोकसभा चुनाव की रणनीति प्रबंधन को लेकर इस पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ साथ 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, नरेंद्र कश्यप, सुरेश खन्ना, 12 से ज्यादा मंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। दो अहम मुद्दे हैं। पहला, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर क्या रोडमैप तैयार करना है और आगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है इसको लेकर। और दूसरी, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, उसको लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में होंगे। संगठन के महामंत्री और इस प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रेम पाठक स्ट्रीट एट लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, 11 बजे बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट है इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? बिल्कुल श्रुति, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज ही एक अहम और एक बड़ी बैठक, कह सकते हैं हाई लेवल बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और इसके अलावा संगठन के सभी पदाधिकारी, तकरीबन जो है जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार के कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही है, स्वतंत्र देव सिंह है, नरेंद्र कश्यप है, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और उस बैठक के अंदर 2024 के आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल यूपी में चल रही हैं, कितनी प्रोग्रेस है, जो पिछले समय जो रणनीति बनाई गई थी वो किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है और आगे कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे घर घर तक जाना है, कैसे उसके जरिए हर एक वर्ग के लोगों को अपने साथ में जोड़ना है, इसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और जो आगे की रणनीति होगी उसको लेकर दिशा निर्देश भी जो है वो जारी किए जाएंगे कि संगठन को, पार्टी को किस तरीके से कार्य करना है, सरकार को किस तरीके से काम करना है, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो पूरा कार्यक्रम है उसको कैसे घर घर तक पहुंचाना है और उसका किस तरीके से चुनावी फायदा उठाना है, क्या उसको लेकर और रणनीति बनाने की जरूरत है, किस तरीके से उसको लेकर अलग अलग यहाँ पर जो है वो प्रयास करने जा सकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज एक अहम और कह सकते हैं हाई लेवल की जो बैठक है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई है, जो अपने मैच कुछ देर बाद 11 बजे जो ये बैठक है वो शुरू होगी। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ में ये सभी कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और सरकार में जो मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 2024 के चुनाव के लिहाज से क्या नई रणनीति बना सकती है बीजेपी इस बार, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या प्रियम? देखिए, रणनीति बीजेपी साफ तौर पर बना चुकी है, भगवान श्री राम को लेकर कह सकते हैं विशेष तौर पर केंद्र में रखा गया है इस बार मुद्दों के, और उसको ही लेकर बीजेपी हर एक मतदाता तक उनको पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और इसीलिए देखिए तो कई तरीके के कार्यक्रम जो है वो बीजेपी की तरफ से पहले से ही चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, और 22 जनवरी का भी जो कार्यक्रम है उसको पूरा प्रदेशव्यापी, देशव्यापी रूप देने का जो है पूरा प्रयास किया गया है। उसके लिए देखिए दलित बस्तियों में रामायण का पाठ कराने की जो है वो आयोजन किए गए हैं अलग अलग जगह पर, और इसी तरीके से कई जगह पर जो भगवान राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसको सीधे संजीव प्रसारण उसका किया जाएगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है, जिसके जरिए वो अपने वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है, विशेष तौर पर उन वर्ग के मतदाताओं के तक पहुंचने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है जो उसके कोर वोटर नहीं माने जाते हैं, तो कैसे उनको अपनी ओर लाया जाए और उनको
जो कह सकते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि उसका चुनावी फायदा मिल सके। तो इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, हर एक सीट को लेकर मंथन किया गया है, विश्लेषण किया गया है, उस सीट के क्या जाति समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है या अन्य क्या समीकरण है, तो सभी समीकरणों को साधने का पूरे तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया है। हर एक बिंदुवार तरीके से हर एक मुद्दे पर जो है वो चर्चा की गई है और हर एक मसले को लेकर अलग से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। जो लोअर कास्ट है, जो जनजाति समूह है, उनके साथ क्या बीजेपी इस बार चलने वाले, क्योंकि ओपी राजभर को तो अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया, एनडीए में उन्होंने शामिल कर लिया, घटक दल भी हो चुके हैं, तो उनके साथ क्या नई रणनीति बना सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का पूरा प्रयास है कि हर वर्ग को लेकर चलना है, वो चाहे वो जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है और उसके लिए हर वो संभव प्रयास भी बीजेपी की तरफ से जो है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपनी जीत को और सुनिश्चित करें। हर एक सीट को लेकर मंथन किया गया है, विशेष तौर पर उन सीटों पर मंथन किया गया है जिन सीटों को 2019 में बीजेपी किन्हीं कारणवश नहीं जीत पाई थी, तो हार का क्या कारण था, क्या उस रणनीति में चूक हुई थी, तो उन सभी चीजों का विश्लेषण किया गया है, सर्वे रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, इन सभी चीजों का बाकायदा कह सकते हैं कि अध्ययन किया जा रहा है। हर एक सीटवार तरीके से जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट करके बीजेपी इस बार जो है वो चुनाव करने जा रही है और पूरा उसका लक्ष्य होगा कि हर एक सीट पर अपने वो रणनीति के जरिए अपनी जीत को जो है वो सुनिश्चित करे और पहले से ऐसी रणनीति बनाए कि जिसके जरिए जीत जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो।